We are going to learn a new poem, If I Were an Apple, in Unit 6. बच्चों, If I Were an Apple का मतलब क्या होता है बच्चों? काश मैं एप्पल होता. बच्चों, आपने एप्पल जरूर खाया होगा. एप्पल इज अ फ्रूट. एप्पल क्या है बच्चों? एक फ्रूट है जिसे हमें खाते हैं. एप्पल इज अ एप्पल इज अ फ्रूट वी शुड ईट एवरी डे. एप्पल जो ऐसा फ्रूट है जिसे हमें रोजाना खाना चाहिए. और हमें पता है एप्पल सारी बीमारी से दूर रखता है. हाँ, और डॉक्टर अंकल हमेशा हमें एडवाइस देते कि हमें रोजाना एप्पल ज़रूर खाना चाहिए. ये सारी बीमारी से दूर रखता है. एप्पल कीप अवे ऑल, इफ यू ईट एप्पल एवरी डे एप्पल कीप अवे ऑल डिसेस. हाँ बीच, हाँ, एप्पल कीप अवे फ्रॉम द डॉक्टर. अगर हम रोजाना एप्पल खाएंगे तो हमें डॉक्टर अंकल के पास जानी नहीं पड़ेगी हमें, क्यों? हम बीमारी नहीं पड़ेंगे. एप्पल इज अ किंग. एप्पल इज अ फ्रूट. अगर आपके घर में देखो, मम्मी पापा देखो, मार्केट से ज़रूर एप्पल लेकर आते होंगे जिसे हम वॉश करते हैं और खाते हैं. और एप्पल इज रेड इन कलर. चिल्ड्रन, इन दिस राइम, इन दिस पोयम, देयर इज अ बॉय. इस पोयम में बच्चों एक बॉय है, एक लड़का है, जो क्या बोल रहा है? इफ आई वर एन एप्पल, काश मैं सेब होता. बॉय क्या बोल रहा है इस पोयम में? काश मैं सेब होता तो मैं, सब मुझे मजे से खाते और मैं बहुत खुश होता. सो लेट्स स्टार्ट आवर पोयम. लर्न एंड रिसाइट एंड एंजॉय दिस पोयम. If I were an apple and grew on a tree. Children, in this rhyme, there is a boy who is thinking. If I were an apple, I grew on tree. अगर मैं apple होता तो मैं पेड़ पर ग्रो होता. ग्रो का मतलब होता है बच्चों बढ़ना. मैं मतलब पेड़ पे, जो फ्रूट्स के मैंगो ट्री होते, एप्पल ट्री, ऑरेंज ट्री रहते, वो कहाँ पे ग्रो होते, कहाँ पे बढ़ते हैं बच्चों? ट्रीज़ के ऊपर ग्रो होते. तो ये बॉय क्या बोल रहा है? अगर मैं एप्पल होता तो मैं कहाँ ग्रो होता? ट्री के ऊपर. इफ आई वर एन एप्पल एंड ग्रू ऑन अ ट्री. काश मैं एप्पल होता तो मैं ट्री के ऊपर ग्रो करता. I think I would drop down on a nice boy like me. अभी क्या बोल रहा है? अगर मैं एप्पल होता तो मैं जब ग्रो हो जाता, तैयार हो जाता, रेड कलर का हो जाता, एकदम मैं रेडी हो जाता खाने के लिए, तो मैं कोई अच्छे से लड़के के ऊपर गिर जाता. अभी नॉइस बॉय का मतलब क्या होता है बच्चों? अच्छा लड़का. I would not stay there giving nobody joy. अभी क्या बोल रहा है? अगर मैं काश एप्पल होता तो मैं किसी अच्छे से बॉय के ऊपर गिर जाता और मुझे कोई जॉय भी नहीं होता, मुझे कोई खुशी नहीं देता. नोबडी जॉय का मतलब होता है खुशी देना, मुझे कोई खुशी नहीं देता. आई वुड फॉल एट वंस एंड से ईट मी माय बॉय. अभी बॉय क्या बोल रहा है? अगर मैं एप्पल होता तो मैं क्या होता बच्चों? अगर मैं एप्पल होता तो मैं ट्रीज पर ग्रो होता और जब मैं रेडी हो जाता, व्हेन एप्पल इज रेडी टू ईट, व्हेन इट बिकम रेडी, व्हेन इट बिकम राइप, जब वो पक जाता तो मैं क्या करता बच्चों? मैं किसी अच्छे से लड़के के ऊपर गिर जाता और मुझे बहुत खुशी होती. मैं किसी को खुशी नहीं देता और मैं सिर्फ एक ही बार गिरता. वो क्या बोलता है? मैं सिर्फ एक ही बार ही गिरता, ज़मीन पर गिरता और मैं उस लड़के को क्या बोलता? से ईट मी माय बॉय, ईट मी माय बॉय. मैं उस लड़के को क्या बोलता? ये एप्पल जो है, जो गिरा हुआ है, तुम इसे खा लो. बच्चों, हमें एप्पल खाने में बहुत मज़ा आता है और हमें एप्पल हर बीमारी से दूर रखता है. तो इसलिए हमें, वी शुड ईट एप्पल एवरी डे. मम्मा पापा भी हमारे लिए एप्पल लाते हैं. मम्मा हमें एप्पल का क्या बनाती है बच्चों? मम्मा एप्पल का मिल्क शेक बनाती है. हम उसे ग्राइंड करके भी पीते हैं. हम उसे रॉ भी खाते हैं. और एप्पल इज़ स्वीट इन टेस्ट. एप्पल खाने में हमें बहुत मज़ा आता है. एप्पल इज़ रेड इन कलर. और हमें बच्चों पता है डॉक्टर अंकल हमें क्या एडवाइस देते हैं? अगर हम रोज़ाना एप्पल खाएंगे तो हम हर बीमारी से दूर रहेंगे. एप्पल कीप अवे फ्रॉम ऑल डिसीज, हर बीमारी से हम दूर रखते. शैल वी से दिस पोयम वन मोर टाइम? सो लेट्स स्टार्ट. इफ आई वर एन एप्पल एंड ग्रू.
If I were an apple and grew on a tree, I think I would drop down on a nice boy like me. I would not stay there, giving nobody joy. I would fall down at once and say, eat me, my boy. बच्चों, what you learn new words, हमने क्या सीखा? Apple is a fruit. Apple is red in color. Boy का मतलब क्या होता है बच्चों? लड़का. जब एप्पल राइप हो जाता है, जब पक जाता है, तो हमें उसे खाने में कितना मज़ा आता है. वी ईट अर एप्पल इज स्वीट इन टेस्ट. खाने में कितना मीठा रहता है. मम्मा हमें हमारे लिए लाती है मार्केट से, हम उसे वॉश करते हैं और हम उसे कट करते हैं. देन वी स्टार्ट ईटिंग. वी एंजॉय टू ईट एप्पल. ईट का मतलब होता है बच्चों खाना. हम एप्पल को बहुत मज़े से खाते हैं. वी लव टू ईट एप्पल. अभी ड्रॉप का मतलब बच्चों क्या होता है? गिरना. और जॉय का मतलब बच्चों खुशी देना. Let's read. I like to eat an apple. मतलब मुझे एप्पल खाना बहुत पसंद है. बच्चों मुझे पता है, मुझे सबको, मेरे जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनको एप्पल खाने में बहुत पसंद है. जब एप्पल हम लाते हैं मार्केट से, उसे वॉश करते, कट करते, फिर उसे हम खाते हैं. We love to eat apple. We clap our hands with joy. जब हमें बहुत खुशी होती है, जब हम किसी कॉम्पिटिशन में विन किए होते हैं और हम कोई इना वो भी when we win any prize, हाँ when we won any prize, तो हम क्या करते हैं बच्चों? हम जब बहुत खुश होते हैं, when we feel happy, जब हमारे लिए मम्मी पापा गिफ्ट्स लाते हैं, that time feel we feel joy, जिससे हम ताली बजाते हैं. चिल्ड्रेन, अगर आपको मेरी लेसन की वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को ज़रूर शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए. थैंक यू.